सो दिस इज हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज इज़ प्रिपेयर दिस इज सिंपल प्रोसेस जैसे कि आपका ये था क्लोरल का ये प्रोसेस वो थोड़ा टिपिकल था ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर फॉर वेरियस थिंग्स वी यूज ब्लीचिंग पाउडर इट इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स कॉटन एंड लिनर नाम के जो फैब्रिक होते हैं स्पेशल फैब्रिक होते हैं ये कॉटन पता ही है सबको लेन भी एक फैब्रिक होता है जो कम्फर्टेबल होता है टू वियर इन समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स स्वेट तो अच्छा इसका टेक्स्चर भी अच्छा होता है रिच लुक फाइबर होता है ये इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर फैक्ट्री में एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ दैट वी हैव डन इन लॉन्ड्री नेक्स्ट इज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर समटाइम्स वेन रिएक्ट्स विद एसिड्स समटाइम्स क्या मोस्टली होता ही है वैन रिएक्ट्स विद एसिड इट रिलीज सी एल टू क्लोरिन गैस रिलीज करता है मोर ओवर ब्लीचिंग पाउडर वैन कंबाइंस विद सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है तब भी सी एल टू प्रोड्यूस करता है क्लोरीन प्रोड्यूस करता है एंड दैट क्लोरीन इज एक्चुअली अ गुड ब्लीचिंग एजेंट तो जहाँ पे भी हमें ब्लीचिंग पाउडर यूज करना होता है वहां पर थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन परसेंट थर्टी एट परसेंट हमारे पास क्लोरीन होनी चाहिए उस ब्लीचिंग पाउडर में ताकि वो एक गुड ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू तो क्लोरीन एंड ब्लीचिंग एजेंट है ड्यू टू तो क्लोरीन फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर Uh, why Again, due to the presence of chlorine. One question sometimes may occur: which chemical compound of calcium, uh, when combines in the presence of air, ya, when combines with air, that releases chlorine? So this is bleaching powder. When reacts with CO2 present in the atmosphere, it releases chlorine. So this reaction you you should note in your notebooks. Next compound is baking soda. बट बिफोर बेकिंग सोडा यू आर एडवाइज टू सी ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर आपको घरों में ऑब्वियसली मिल जाते मिल जाएगा या फिर सैलोन वगैरह पे या पार्लर्स वगैरह पे जो आपके पेरेंट्स जाते हैं अगर तो उनके पास भी ब्लीचिंग पाउडर मिल मतलब वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है ब्लीचिंग कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं एक येलोइ से कलर का पाउडर होता है तो यू चेक दैट आउट नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा वी कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज थोड़ा क्रिस्प करने के लिए हम बेकिंग सोडा अ पंच ऑफ बेकिंग सोडा वी यूज वी यूज एंड समाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग लाइक जो ब्लैक ग्राम होते हैं उसको फास्ट बॉयल uh, करने के लिए क्योंकि वो हार्ड सीड्स होते हैं तो उसको फास्ट बॉयल करने के लिए एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा अगर हम डाल देते हैं तो बॉयलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और वो जो बेकिंग सोडा है वो जल्दी कुक कर देता है ब्लैक ग्राम्स को पर हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि जो टेस्ट है वो बेकिंग सोडा से मटेरियल का फूड आइटम का वो थोड़ा ख़राब हो जाता है और बेकिंग सोडा थोड़ा बोन्स के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट आता है तो हमें कम यूज़ करना चाहिए बहुत ज़्यादा या फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम सोडियम वी हैव रिटन हाइड्रोजन एंड दिस इज़ फॉर कार्बोनेट And it is produced using sodium chloride as one of the raw materials. Sodium chloride, like we have discussed. So, here you can write the use of sodium chloride that it is produced, it, it can be used for making baking soda. So, this is the complete reaction, and this is called as solvay process. This is solvay process V A. वाई सॉल्व ए प्रोसेस सो वट हैपन्स इन दिस प्रोसेस इज एन ए सी एल वैन कंबाइन्स विद वाटर सी ओ टू एंड अमोनिया इट गिव्स आउट अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल अलॉन्ग विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा एंड नेक्स्ट इज वट इज वट इज द पी एच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज माइल्ड बेस वेन यू चेक आउट माई माई एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट पी एच आई हैव शोन दैट कि ये बेकिंग सोडा मैंने लिया था वहाँ पर और जब मैंने पी एच पेपर इसमें स्ट्रिप डाली तो बिल्कुल हल्का सा ग्रीन कलर आया दैट शोज दैट इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस बिल्कुल हल्का सा बेस है नॉन कोरोसिव मीन्स बहुत ज़्यादा बर्निंग एक्शन नहीं है दैट इज वाई वी कैन कंज्यूम इट इन आर फूड आइटम्स ऑल्सो नेक्स्ट इज द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस वैन इट इज हीटेड सो दिस इज द नेचर ऑफ बेस and next is when heated what happens it gives out na2co3 h2o and co2 this co2 is very important the release of co2 is very important because the moment you add this baking soda in your food items and you cook that food item what happens co2 start releasing and it being hot because you are heating the food item and being a lighter gas so it tries to escape out of the food material and from wherever this gas escapes it leave behind small pores, some uh, like spongy sponginess. It creates, uh, it gives to the food item. That is why baking soda is widely used for making this dhoklas and uh, making this crispy pakodas and idli or any fermented food item. We use baking soda. बिकॉज जो सी ओ टू एस्केप करेगी वो अपने पीछे पीछे अपने पीछे छोटे छोटे एयर बबल्स की जगह छोड़ के जाएगी एंड द एयर बबल्स दैट यू सी इन डोकला द स्पॉन्जीनस यू सी इन डोकला और दिस काइंड ऑफ आइटम फर्मेंटेड फूड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस सी ओ टू एस्केपिंग आउट ऑफ द फूड आइटम्स सो नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट for making baking powder. Baking powder is prepared from baking soda. These two are different products. Like I know kitchen things, so I can tell you कि baking soda अलग है baking powder अलग होता है बेकिंग जो आपका सोडा होता है उसमें हल्का सा हमें लेमन डालना होता है ताकि इसका टेस्ट निखर के आए बल्कि बेकिंग पाउडर में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बेकिंग पाउडर में ऑलरेडी हम एक थोड़ा सा एसिडिक चीज़ जिसको हम टार्टरिक एसिड बोलते हैं वो डाल के रखते हैं हम अभी हम पढ़ते हैं आगे बेकिंग सोडा थोड़ा सा कड़वा टेस्ट का होता है थोड़ा बिटर टेस्ट का होता है तो इसी बिटरनेस को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा एसिडिक सब्सटेंस लाइक लेमन जूस डालना चाहिए प्रिपेयर करते हुए कुकिंग करते हुए बट बेकिंग पाउडर में ज़रूरत नहीं होती इसका टेस्ट ठीक होता है सो लेट अस रीड फ्रॉम बुक

ये हमने कर लिया नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इन्ग्रेडियंट ऑफ एंटा एसिड्स क्योंकि वो माइल्ड बेस है तो इसीलिए लिए बींग अल्कलाइन इन नेचर वो एक्सेस ऑफ न्यूट्रल जो भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एंड कैन बी यूज टू रिलीव योर रिलीव योर एसिडिटी नेक्स्ट इज इट कैन बी यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर वाई दिस कैन बी यूज इन सोडा एक्सटिंग्विशर्स सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज दिस इज सोडा एंड सम एसिड इज एडिड टू इट

so this was all about baking soda a widely used ingredient in kitchen and otherwise it can also be used as a starting material for several components several compounds like next we are using we will be discussing about washing soda that is actually prepared from baking soda for watching the color of baking soda you can check out my previous video for uh, that ph testing and litmus testing in that videos i have shown you baking soda so it is basically crystalline white colored solid substance